मैंने कभी भी कहीं भी ये नहीं कहा कि स्थानिक नगर सेवक की प्रयत्न नहीं है। स्थानिक नगर साहब ने एक खत लिखा पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर को, अशोक चौहान जी पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर है, और उन्होंने ईमानदारी से स्थानिक नगर सेवक का लेटर एमएमआईडी को भेजा। लेकिन एमएमआईडी का काम जब हो रहा है वो अगर आमदार ओपनिंग नहीं करेगा तो आमदार कौन सी ओपनिंग। राजनीतिक जो लोग होते हैं दूसरी पार्टी में होते हैं उनका काम है आरोप लगाना, उसको मैं जवाब देते बैठी तो मैं कोई काम नहीं करूँगा। मेरे को जनता ने चुन के दिया, लोग बार बार इल्ज़ाम लगाते मैं बम्बई का हूँ। मैं आज साफ कहना चाहता हूँ, भिवंडी की आवाम ये जानती थी जब उन्होंने मुझे आमदार बनाया कि मैं भिवंडी शहर में नहीं रहता, मैं मुंबई में। आप जाके साजिद भाई से पूछ सकते हैं, हलीम भाई से पूछ सकते हैं कि क्या भिवंडी मनपा का काम हो रहा था तो मैंने उनसे लेटर की रिक्वेस्ट की कि नहीं, किसी को लेटर लिखा है। और मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ कैमरे पे कि हाँ भाई, स्थानिक नगर सेवक ने बहुत प्रयत्न किए होंगे। आप देख रहे हैं सच की आवाज, आपके हक की आवाज। भिवंडी में दोबारा आरसीसी रोड के काम का किया गया उद्घाटन। इस बार भिवंडी पूरब के विधायक रईस शेख के हाथों किया गया उद्घाटन। भिवंडी के शांति नगर स्थित बाबा होटल कादरिया मस्जिद के समक्ष 300 मीटर के आरसीसी रोड को मंजूरी दी गई, जहां 19 अप्रैल 2021 यानी कल के दिन कांग्रेस पार्टी के स्थानिक नगर सेवक और कई कांग्रेसियों ने इस रोड का उद्घाटन किया था। वहीं आज भिवंडी पूरब के विधायक रईस शेख ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ में कादरिया मस्जिद और बाबा होटल के पास जाकर इस आरसीसी रोड का उद्घाटन किया। विधायक रईस शेख ने काम ना करने जैसे आरोप लगाए जाने पर और इस आरसीसी रोड के दोबारा उद्घाटन को लेकर बातचीत की। क्या कुछ कहा, देखिए इस विशेष खबर में। देखिए, मैं भिवंडी शहर भिवंडी ईस्ट का आमदार हूँ। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के मार्फत जो काम होते हैं वो आमदार आके उद्घाटन करता है। ये काम एमएमआईडी के मार्फत हो रहा है। इससे पहले ये काम जो है एक टेंडर है जिसमें कई रोड है, तो मैं यहाँ पे जब राउंड्स पे आया था एक बार दो बार, क्योंकि काम जब चल रहा था तो मैं राउंड्स लेता था क्वालिटी देखने के लिए। तो यहाँ के जो लोग खड़े सब ये आवाम ने ये कहा था कि ये जो पुलिस स्टेशन है वहीं तक रोड था, तो 150 मीटर कादरिया मस्जिद तक और 150 मीटर जो है ये शमशान भूमि तक ये रोड बनना चाहिए। अर्चनदीप फॉरेस्ट लैंड है, कुछ कॉरपोरेशन के इश्यूज़ थे, एनओसीस के इश्यूज़ थे। इमीडिएटली जब मैंने राउंड्स लिया, मैं इमीडिएटली ऑफिस में गया, सारे अधिकारियों को कंसल्टेंट को लेकर बैठकर हमने जो है एमएमआईडी को प्रपोज़ल भेजा। प्रपोज़ल के मार्फत आगे बढ़ा प्रपोज़ल, एक दो बार कमीशन से बात करनी पड़ी, एडिशनल कमीशन से बात करनी पड़ी। पॉइंट ये था कि ये काम टेंडर में नहीं है, तो ये टेंडर के बाहर होने के बाद भी इसको कहते हैं कि एक्स्ट्रा एक्सेस या बोलते हैं कि थोड़ा एडिशनल काम। फॉर्चुनेटली टेंडर में वो अमाउंट था तो ये काम हुआ। मैंने कभी भी कहीं भी ये नहीं कहा कि स्थानिक नगर सेवक की प्रयत्न नहीं है। अगर स्थानिक नगर सेवक भी प्रयत्न कर रहे हैं, वो भी लोक प्रतिनिधि है, उनकी भी मेहनत होगी। जो मैंने किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, स्थानिक नगर साहब ने एक खत लिखा पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर को, अशोक चौहान जी पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर है, और उन्होंने ईमानदारी से स्थानिक नगर सेवक का लेटर एमएमआईडी को भेजा। स्थानिक नगर सेवक जो है उनके प्रयत्नों को कोई इनकार नहीं कर रहा है, वो भी लोक प्रतिनिधि है। लेकिन एमएमआईडी का काम जब हो रहा है वो अगर आमदार ओपनिंग नहीं करेगा तो आमदार कौन सी ओपनिंग करेगा। सर, मैं भिवंडी कॉरपोरेशन के काम को जाके तो ओपनिंग नहीं कर रहा हूँ। सर, लोक प्रतिनिधि जो भिवंडी के कुछ लोक प्रतिनिधि हैं उन्होंने सीधा सीधा आपका आरोप लगाया कि आप बड़ी सफाई से सब काम को हथियार लेते हैं और अपना नाम देने की कोशिश। देखिए, राजनीति अब तक आपने भिवंडी शहर के लिए कोई ऐसी नीति नहीं लाई है जिसकी वजह से आपने ऐसा कोई काम किया हो, तो उसके बारे में कुछ बताओ। देखिए, राजनीतिक जो लोग होते हैं दूसरी पार्टी में होते हैं उनका काम है आरोप लगाना, उसको मैं जवाब देते बैठी तो मैं कोई काम नहीं करूँगा। भिवंडी की आवाम जानती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और राजनीतिक आरोप लगते रहते हैं उनके, आप जवाब देने बैठेंगे तो दिन भर वही करते रहेंगे। मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर ये उद्घाटन है ये एमएमआईडी का है, एमएमआईडी के मार्फत काम होता है, शासन के मार्फत काम होता है, तो आमदार उसका उद्घाटन करता है। नगर सेवक मैं आके कोई नगर सेवक का उद्घाटन तो कर ही नहीं रहा हूँ।
मैंने कभी कोई नगर सेवक का जाके काम बोला कि मैंने ये किया। ये कितने, अब ये जो उद्घाटन यहाँ पर किया आपने, ये कितने मीटर का है, कितना? ये 150 मीटर है यहाँ पर जो कादरिया मस्जिद तक, 150 मीटर है जो है शमशान भूमि तक। सर ये ऑफिशियली है या पर यार मैं एक आमदार यहाँ खड़ा हूँ, ये ऑफिशियल उद्घाटन है। और सुनिए सुनिए, यहाँ पे कंसल्टेंस अधिकारी होंगे है। सुनिए, MMRDC ने मेरे कार्यालय को पिछले हफ्ते कॉन्टैक्ट किया और कहा कि आपका प्रस्ताव जो है अप्रूव हो चुका है, आप आइए उद्घाटन कीजिए। और ये लास्ट वीक तय हुआ था कि मैं आज उद्घाटन करने वाला हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। और आपको भी मैं बताऊँ, आप सब जिम्मेदार लोग हैं, MMRDC का जो काम होता है वो महाराष्ट्र शासन की तरफ से होता है। कांग्रेस पार्टी ने भी उद्घाटन किया, मुबारक है उनका। मैं तो यही चाह रहा हूँ कि काम के अंदर जितना कॉम्पिटिशन करना है करो, आज अच्छा है ना कि किसके ऊपर लड़ाई हो रही है, काम के श्रेय पे ना। लोक प्रतिनिधियों का और भी एक आरोप है कि हर उद्घाटन में रजिस्ट्रेक का जो भी उद्घाटन होता है वो सेकेंडरी होता है, फर्स्ट भी और कोई का नहीं था सेकेंडरी। भाई साहब देखिए मैं दूसरा उद्घाटन कर रहा हूँ, इससे पहले IGM का हुआ है जी, ठीक है। IGM में जो उद्घाटन हुआ वो काम जो है सब मशीनें आगे पड़ी हुई थी, मैंने कभी नहीं कहा। आप IGM में जब मैंने बोला था तब मैंने अपनी बात, आप मेरी रिकॉर्डिंग निकालिए, मैंने कहा था इसके लिए कई लोगों ने प्रयत्न किए होंगे लेकिन मशीनें आगे पड़ी थी, ट्रांसफार्मर के प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहे थे। ट्रांसफार्मर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, मशीन मैन पावर का प्रॉब्लम सॉल्व करके, एक लोक प्रतिनिधि और एक आमदार बन के अगर मैंने महाराष्ट्र शासन के कामों का उद्घाटन किया तो कौन सा गलत काम किया? इससे पहले कौन आगे करता है, कितने उद्घाटन? आप ब्रिज की बात है, मैंने कब उद्घाटन किया ब्रिज का? मैंने कभी कहा ब्रिज मैंने बनाया? मैंने कभी भी नहीं कहा, मैंने कोई उद्घाटन नहीं किया। देखिए आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलते रहते हैं, मेरा कहना है काम पे फोकस कीजिए। देखिए मेरे को जनता ने चुन के दिया, लोग बार बार इल्ज़ाम लगाते मैं बम्बई का हूँ। मैं आज साफ कहना चाहता हूँ, भिवंडी की आवाम ये जानती थी जब उन्होंने मुझे आमदार बनाया कि मैं भिवंडी शहर में नहीं रहता, मैं मुंबई में रहता हूँ, और तब भी मैं सिटिंग काउंसिलर मुंबई का था। तो ये आवाम जानते हुए 3 लाख लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, 47,000 लोगों ने मुझे वोट दिया और मैं चुन के आया। तो आप बार बार इनको याद मत दिलाइए, इनको मालूम है, लेकिन ये बात करके आप है ना इंसल्ट कर रहे हैं वोटर्स की। दूसरी बात कि आज काम की राजनीति कीजिए ना, मेरे काम नहीं हुए, ये काम नहीं हुए। मेरा इलेक्शन 5 साल बाद है, जनता मुझे देखेगी, मुझे जवाब देगी। कुछ लोगों का इलेक्शन 1 साल बाद है, इसमें से कोई व्यक्ति ये बात कर रहा है कि मैंने क्या काम किया? मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त कोविड का पीरियड है, हम सबको कोऑपरेट करना चाहिए, भिवंडी में एक अच्छा माहौल बनना चाहिए। आप बताइए, यहाँ पे स्थानीय नगर सेवक हलीम भाई है और साजिद भाई है, जब भिवंडी निज़ामपुरा के अंदर रहमतपुरा स्कूल के अंदर बाउंड्री बनानी थी और वो काम भिवंडी मनपा से होना था, मैंने दोनों भाइयों से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे लेटर दो और मैं फॉलोअप करता हूँ, ये कोऑपरेशन है। ये लेटर मैंने उनको खुद फ़ोन करके मांगा क्योंकि ये भिवंडी निज़ामपुरा कॉरपोरेशन का काम था। फिर मैंने ये कहा कि अच्छा आप लोग और मैं मिलके भिवंडी निज़ामपुरा को कहते हैं कि 29 लाख रुपए दो और मैं मेरी निधि से 25 लाख रुपए देता हूँ, ये कॉरपोरेशन हो रहा है। लेकिन क्या है कि सिर्फ तनकीद करना अगर है लोगों को तो करने दीजिए, मुझे क्या है। आपकी जो सोच है वो लोक प्रतिनिधियों को साथ में लेके चलने की सोच है, ये ऐसा आपका कहना है, लेकिन उन लोगों का कहना है कि वो सिर्फ अपना काम हथियाना जानते हैं। भिवंडी शहर में 90 नगर सेवक है, ठीक है, किसी एक व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं बदलता। आप जाके साजिद भाई से पूछ सकते हैं, हलीम भाई से पूछ सकते हैं कि क्या भिवंडी मनपा का काम हो रहा था तो मैंने उनसे लेटर की रिक्वेस्ट की कि नहीं? उन्होंने मुझे लेटर दिया, मैंने अपना कवरिंग लेटर दिया, मैंने कमिश्नर से बात की, उन दोनों ने भी बात की, वो स्टैंडिंग चेयरमैन थे। तो ये कोऑपरेशन हो रहा है, एक व्यक्ति की बात को पकड़ के अगर आपको बोलना है तो अलग बात है, 90 नगर से हो गए। रईस भाई अभी इस रोड की बात करेंगे, देखा जाए तो जानकारी ये मिली है कि कल के जो पूर्व आमदार थे रईस रफीक ताहिर, उन्होंने ये कहा कि 2015 में इसकी मंजूरी हुई थी 24 करोड़ रुपये कुछ का, और अभी हाल ही में देखा जाए तो आप अभी के विधायक हैं। रशीद भाई हमारे सीनियर है, उनकी हर बात को हम लोग बहुत गौर से सुनते हैं और वो कोई बात गलत नहीं करेंगे। ये बात सही है, इसकी मान्यता पुरानी है लेकिन टेंडर में कई दिक्कतें थी, मैंने आके बोला कि मैंने मान्यता की, ये पुरानी मान्यता है, इसका जो एक्सटेंशन का काम हो रहा है वो हमारे प्रयत्नों से हुआ और मैं एक आमदार बन के MMRDC के काम का उद्घाटन कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ के स्थानीय नगर सेवक के पत्र पे बोला भाई, मैं मुझे बताइए, मुझे कैसे पता चलेगा कि स्थानीय नगर सेवक ने किसी को लेटर लिखा है? और मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ कैमरे पे कि हाँ भाई, स्थानीय नगर सेवक ने बहुत प्रयत्न किए होंगे
मुझे कैसे पता चलेगा? अच्छा, PWD के मिनिस्टर साहब को आप लेटर लिख रहे हो, ये MMRDA का काम है, उन्होंने आपका लेटर वो पढ़िए तो सही, उसमें लिखा क्या है कि उनका पत्र वो MMRDA को फॉरवर्ड कर रहे हैं। अब ये पत्र दिखा के रहना, मैं ओपनली कह रहा हूँ स्थानीय नगर सेवक ने बहुत मेहनत की है, अब क्या बोलूँ? आप उनको बुला के मैं तो उनसे संपर्क में रहता हूँ कि आओ मेरे साथ उद्घाटन कर लो। ये कोई उद्घाटन की लड़ाई नहीं, काम की लड़ाई, काम पे फोकस करना। और आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप सब बहुत समझदार लोग हैं। रईस भाई, काम की बात करेंगे, जिस तरह से देखा जाए चले RCC रोड के काम की यहाँ पर शुरुआत की जा रही है, बरसात का महीना भी नज़दीकी है, तो ये काम क्या बारिश के पहले हो जाएगा? देखिए, मैंने वही कहा है, आज जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है बांदेकर जी, वो क्वारंटाइन है, मैंने उनसे प्रोग्राम मांगा है और प्रोग्राम जो है उनको देना है कि कैसे काम खत्म करके। मेरी कोशिश है RCC है तो काम बारिश में भी शुरू रहे। यहाँ पर भी रोड वेल्डिंग होएगा जी? रोड वेल्डिंग का काम होगा, वो मैंने लेआउट नहीं देखा है, लेआउट देख के आपको बताऊँ। ठीक है,